CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला गुंचाए शायरी। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कक्षा 9 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। गालिब उर्दू के चंद सबसे बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। वो इब्तिदा में असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब इख्तियार किया। उन्होंने उर्दू फारसी दोनों जबानों में शेर कहे हैं। उन्हें आम रास्ते से अलग नई राह बनाकर चलने का शौक था। बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। गालिब के कलाम को अमूमन मुश्किल समझा जाता है, फिर भी उनके अशार की एक बड़ी तादाद आज भी लोगों की जबान पर है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। उनका बहुत सा कलाम सादा और बज़ाहिर आसान भी है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिर टपके तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे गालिब के उर्दू अशार का मजमुआ दीवाने गालिब के नाम से शाये हुआ है। मिर्ज़ा गालिब में उर्दू नसर की अदबी शान, अपने ज़माने के हालात, अदबी मुबाहिस पर गुफ्तगू, गरज बहुत कुछ मिलता है, जिसके बाइस गालिब हमारे सबसे बड़े शायरों में शुमार होते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। गजल शायर मिर्ज़ा गालिब। दर्द मिन्नत कशे दवाना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवाना हुआ,
मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। गौर करने की बात, इस गजल में सादगी बयान और आम गुफ्तगू का अंदाज है और कहीं कहीं खुद कलामी का अंदाज भी है। खुद कलामी से मुराद अपने आप से बात करना है। गालिब गजल के मुमताज शायर हैं। कम से कम लफ्जों में बात को कहना, सादगी के साथ साथ मानी की गहराई उनकी शायरी की अहम खसूसियात हैं। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ जमा करते हो क्यों रकीबों को जमा करते हो क्यों रकीबों को एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब गालियां खा के बेमजा ना हुआ है खबर गरम उनके आने की है खबर गरम उनके आने की आज ही घर में बोरिया ना हुआ आज ही घर में बोरिया ना हुआ क्या वो नमरूद की खुदाई थी क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला ना हुआ जान दी दी हुई उसी की थी जान दी दी हुई उसी की थी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सरा ना हुआ आज गालिब गजल सरा ना हुआ दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ दर्द मिन्नत कशे। गौर करने की बात, दूसरे मिसरे में लफ्ज अच्छा यूं तो बुरा की जिद है लेकिन यहाँ ये लफ्ज सेहत याब होने के मानी में आया है। इस एतबार से अच्छा बुरा और हुआ ना हुआ अल्फाज एक दूसरे की जिद हैं। शेर की ये खूबी सनते तजाद कहलाती है। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, इस मिसरे में लफ्ज हक दो जगह आया है। इस लफ्ज के दोनों जगह अलग अलग मानी हैं। एक हक होना यानी सच और दूसरा हक अदा होना यानी फर्ज। लफ्जो मानी, मिन्नत कश एहसान उठाने वाला, रकीब हरीफ आशिक का मुकाबिल और मुखालिफ, गिला शिकायत, खबर गरम किसी खबर का बहुत मशहूर होना, नमरूद मुल्क इराक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के एक बादशाह का नाम जिसने खुदाई का दावा किया था, बंदगी फरमा बरदारी इताअत, गजल सरा होना गजल गाना यानी गजल को महफिल में पेश करना, साथियों गजल की बारीकियों को जानने के बाद गजल की खूबसूरती और अधिक समझ में आती है। तो कार्यक्रम सुनने के बाद आइए क्यों ना इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाए। सवाल नंबर एक, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ से शायर की क्या मुराद है। सवाल नंबर दो, शायर ने रकीबों को जमा करने पर क्यों एतराज किया है। सवाल नंबर तीन, क्या वो नमरूद की खुदाई थी।
बंदगी में मेरा भला ना हुआ। शेर में नमरूद की खुदाई से क्या मुराद है? सवाल नंबर 4। जान दी, दी हुई उसी की थी, इस मिसरे में उसी का इशारा किस तरफ है? दर्द मिन्नत कश दवाना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। दर्द मिन्नत कश। मिर्जा असदुल्ला खान, गालिब। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमन आरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार परवेज गौहर और शमाइला परवेज, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर देवाशीष और अनुजा बिसारिया, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।